नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। बढ़ती महंगाई पर अब हरकत में आए इमरान खान, राष्ट्र को दिया ये बड़ा आश्वासन। पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से निपटना प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। देश में आटे की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बाद चीनी की कीमतों ने भी आसमान छू लिया है। रोजमर्रा की चीजों की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा है कि मैं आम लोगों और वेतनभोगी वर्ग की समस्याओं को समझता हूँ। मेरी सरकार मंगलवार 11 फरवरी को कैबिनेट में उन कई उपायों की घोषणा करेगी जिसके अंतर्गत आम आदमियों के लिए जरूरी खाद्य सामग्रियों की कीमतें कम की जाएंगी। इस ट्वीट के बाद ही इमरान खान ने एक और ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने आटे और चीनी की बढ़ती कीमतों की जाँच शुरू कर दी है। मैं देश को आश्वासन देता हूँ कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और दंड लगाया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सांख्यिकी ब्यूरो ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मुद्रा स्फीति दर बढ़कर 14.6% पर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान की मुद्रा स्फीति दर 12.6% थी। बीते 12 वर्षों की बात करें तो इस साल मुद्रा स्फीति की दर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।